कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो मजबूत हाथ होते हैं, अंदर से बुलंद होते हैं उनके इरादे, और ये लड़के के वो हाथ हैं जो हाथ ऊपर किया तो इसके दिल को मालूम था, इस नन्नी सी जान को, कि मैं 40 स्कोर करने वाला हूं करके, और जैसा उसने कहा वैसा ही किया है। डू यू नो वेयर इज माई फादर? Do you know where is my father? Do you know where my father is? Wonderful, wonderful. Big round of applause. हो सकता है कि आप लोग को कुछ ख्याल आ जाए कि सर मोहब्बत में डाल दिए होंगे मार्क्स। हो सकता है ख्याल आ जाए, शैतान वसवसे डाले आपके दिल में कि कहीं चीटिंग किया होगा इसने, लेकिन आपके सामने जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। This is talent. This is confidence. This is performance. ये लोग ने भी इम्तिहान लिखा, इसमें टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट भी हैं, उसके बावजूद भी कई सारे लोग जो है मार्क्स 50 में 40 नहीं ले आ पाए। मेरे मम्मा बोलते एक सेंटेंस एक बार नहीं 100-100 बार पढ़ना, उससे दिमाग में याद रहता, और ये कॉमन एरर्स रटने का नहीं था, उसका फॉर्मूला याद रखने का था। ये वर्कशॉप की यही खूबी है, तेलुगु मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम से आगे निकल जाते हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम से आगे निकल जाते हैं, स्कूल के बच्चे कभी कभार कॉलेज के बच्चों से कम्पीट करके आगे निकल जाते हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट करा हुआ बंदा एक छोटे लड़के के सामने बौना हो जाता है। और कुछ ऐसी कहानी यहाँ भी है, फहद जुहेर सैयद, 40 मार्क्स आए हैं 50 में, ये आसान चीज़ नहीं है, एक स्कूल के बच्चे को इतने मार्क्स आना है। इधर आइए, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, माशाल्लाह, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। ये लड़के ने मेरा दिल खुश कर दिया है, मैंने बेसिक 3.5 साल सीखने के बाद भी ये नहीं आया था, बाद में मैंने लेसन बनाया है, 3.5 साल सीखने के बाद भी मुझे ये नहीं मालूम था ऐसे क्वेश्चन प्लस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन में मिस्टेक्स होते हैं करके। इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह देखिए, खूबसूरत भी है और नॉलेज भी उससे बढ़ के खूबसूरत है माशाल्लाह। ऐसे स्टूडेंट्स होना है बिल्कुल अपने अब्बू के बराबर में बैठ करके, कैसी मेहनत करके। और जब मैं पूछा था किसको 40+ आएंगे, इसने हाथ उठाया सबकी तरह, मैं सोचा झूठ बोल रहा है लड़का, इसको 40 कहाँ आएंगे, सब लोग जैसे ये लोग भी हाथ उठाते हैं, हमेशा हाथ ऊपर करते हैं सब लोग, लेकिन कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो मजबूत हाथ होते हैं, अंदर से बुलंद होते हैं उनके इरादे, और ये लड़के के वो हाथ हैं जो हाथ ऊपर किया तो इसके दिल को मालूम था, इस नन्नी सी जान को, कि मैं 40 स्कोर करने वाला हूँ करके, और जैसा उसने कहा वैसा ही किया है। ही हैज स्कोर्ड 40 out of 50, बहुत बड़ा अचीवमेंट है यह, जो कि मैंने कल पढ़ाया था इसको, कब पढ़ाया था, कल पढ़ाया था इसको, और सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स दिए थे। आज भी कई बड़े बड़े यहाँ लोग हैं जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो लोग लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन ये छोटा लड़का, आप बड़े होकर इंशाल्लाह अगर आप इंग्लिश हाउस एकेडमी के लिए काम करना चाहते हैं तो इसके दरवाजे खुले हैं आपके लिए, आप करना चाहते हो ट्रेनर बन करके? इंशाल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हो आप, 40 मार्क्स 80 यानी डिस्टिंक्शन मिला है आपको? पहले मैं रूम में मम्मा पापा को बोला था कि मेरे को 40 अबव आते, तो वो लोग भी बोले हाँ आते होंगे, पढ़े थे ना तुम कल बोल के, फिर आप ऐसा उनको फाहद बोल के बुला रहे थे, तो मैं ये सोचा था मेरे को कब बुला रहे बोल के, फिर आप ऐसा सडनली बुला तो थोड़ा डर हो रहा। अभी डर हो रहा है आपको? अभी भी डर हो रहा है? हाँ। अभी कैसा महसूस कर रहे हो आप? खुश। अच्छा, ये 40 आसान थे, ये मुश्किल है ये ले आना? पढ़े तो आसान है। आपने पढ़ा है या आपको पढ़ाया गया है, ये कैसा? आपके मम्मी के पेपर्स कुछ मैं देख रहा था, एग्जाम जब लिख रहे थे तो बड़े गलतियां नजर आए थे मुझे, फिर आपको ये कहाँ से मिले हैं ये मार्क्स? आप कल पढ़ाए तो मैं सुन रहा था, जब ही समझ में आ गया था कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गया था इतना टफ वाला। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, अभी बोल पाओगे आप?
जी आराम से सोच कर बोलना. आई नो वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग. सोचिए, टाइम लीजिए, फिर बोलिए. आई नो वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग. आपको एक मार्क मिला है इस पेपर में. आई नो वेयर यू गो इन द मॉर्निंग. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. वेरी गुड. आई डोंट नो वॉट हैज ही डन. आई डोंट नो वॉट हैज ही डन. I don't know what he has done. Big round of applause for him. Very good. Mashallah. Bahut khoob. We do not know where were you playing cricket. We do not know where were you playing cricket. We do not know where you were playing cricket. Big round of applause for him. ये छोटी सी जान ने सबकी आंख खोल दिया है. इसने कॉन्सेप्ट को समझ गया तो दुनिया को फतेह कर सकते हैं आप. ये कॉन्सेप्ट समझना है. आपके सामने सबको इल्म दिया है मैंने. कल बताया गया 24 आवर्स अगो, 24 घंटे पहले. सबसे टफेस्ट टॉपिक है ये. यानी स्ट्रक्चर पर ऐसा जबरदस्त कमांड होना होता है. कोई भी टेंस, मैंने कितने टेंसेस दिया है. दो क्वेश्चन को मैंने मिलाया, दूसरे क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, पहले को क्वेश्चन में ही रखना, फिर मैंने स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना. आसान चीज नहीं थी. इस उम्र में एक दिन में कितनी भी मेहनत कर लें, दस ही मार्क्स आने चाहिए थे. लेकिन 40 हो सकता है कि आप लोग को कुछ ख्याल आ जाए कि सर मोहब्बत में डाल दिए होंगे मार्क्स. हो सकता है ख्याल आ जाए, शैतान वसवसे डाले आपके दिल में कि कहीं चीटिंग किया होगा इसने. लेकिन आपके सामने जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है. दिस इज टैलेंट, दिस इज कॉन्फिडेंस, दिस इज परफॉर्मेंस. यही, इसी को परफॉर्मेंस कहते हैं. आपको कॉन्वोकेशन के दिन एक अवार्ड मिलने वाला है, पैशनेट लर्नर ऑफ द वर्कशॉप. थैंक यू. पैशनेट लर्नर ऑफ द वर्कशॉप. और एक सवाल, डू यू नो वेयर इज माई फादर. Do you know where is my father? Do you know where my father is? Wonderful, wonderful. Big round of applause. Does anybody know what has our teacher been teaching for 2 weeks? ये थोड़ा सा आपको मार्क तो 1 मिला है, सोच के आपने लिखा, लेकिन मैंने बड़ा सवाल किया. Does anybody know what has our teacher been teaching for 2 weeks? Does anybody know what our teacher has been teaching for 2 weeks? बहुत अच्छे, wonderful. देखिए, आइए इधर. माशाल्लाह, आपने कैसे प्रिपरेशन किया है इसको. मैंने 5 ही एग्जाम्पल्स दिए थे. आपने 40 मार्क्स कैसे ले आए 50 में, बताए माइक में. आपने कुछ खास प्रिपरेशन किया था घर पे? नहीं, वो मैं जब टेस्ट लिख रहा था गौर से देख के लिख रहा था क्वेश्चन. वो उस दिन अंडे मिले थे जी, उस दिन से बहुत क्वेश्चन देख, बहुत तकलीफ हुई थी. अच्छा, जब 0 मार्क्स आए थे आपको तो बहुत तकलीफ हुई थी. आप ये लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, जो घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, जो 40-45 टच नहीं कर पा रहे हैं, जो आपने टच किया है? पहले मैं भी स्टेज पे जाने बहुत डरता था, फिर इधर आए बाद बार बार स्टेज पे जाने के बाद डर उड़ गया. डर उड़ गया, कहाँ चला गया डर? अभी नहीं हो रहा जी. नहीं, ये लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये लोग ने भी इम्तिहान लिखा, इसमें टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट भी हैं. उसके बावजूद भी कई सारे लोग जो है मार्क्स 50 में 40 नहीं ले आ पाए. मेरे मम्मा बोलते एक सेंटेंस एक बार नहीं 100-100 बार पढ़ना, उससे दिमाग में याद रहता. और ये कॉमन एरर्स रटने का नहीं था, उसका फॉर्मूला याद रखने का था. अच्छा, रटा नहीं आपने, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है. तो थोड़ा क्रेडिट आपने अपने मम्मी को भी दे रहे हो.
और अब्बू को भी। अब्बू को भी जी। अच्छा, अब्बू से क्या सीखा आपने? अब्बू से लिख लिख के प्रैक्टिस करना। अच्छा, वो लिखाते हैं बहुत? नहीं लिखाते नहीं, लिखते तो मैं देख के लिखता हूँ। अच्छा, वो लिखते हैं तो आप देख कर लिखते हैं। इनके अम्मी अब्बू के लिए भी तालियां बहुत। माशाल्लाह, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और बच्चे जो डरे हुए घबराए हुए हैं, जो मार्क्स नहीं ले आ पा रहे, उनके लिए एक मोटिवेशनल कुछ लाइन आपकी तरफ से जी। मैं कोट बोलूं? कोट भी बोलिए और आपकी तरफ से भी कुछ बातें बोलिए कॉमन, तो वो लोग को एक नसीहत। हाँ, आपका कोट है माशाल्लाह, बताए। हाँ, When you have given up, that means you have ended your life. But when you have lost and you tried again, that means you are still alive. बहुत अच्छे, very good, wonderful, wonderful, माशाल्लाह। आपके लिए चॉकलेट है। Wonderful, good job. Passionate learner of the one-month personality development workshop. बहुत अच्छा। हम जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया। फहद जो पीछा रहता था, फहद स्टेज पे नहीं जाते थे, बहुत डरते थे, बहुत शाय थे, लेकिन यहाँ आए बाद वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करे और माशाल्लाह से रिजल्ट आपके सामने है। इसके लिए बहुत बहुत मैं जब इनका आगरा में जब कैंप हुआ था इनका, तब भी मैं कोशिश किया था, बस हालात साथ नहीं दिए तो वहाँ पे नहीं जा सका। फिर अभी मैंने कैसे भी कोशिश करके मैंने यहाँ पे आके अटेंड किया है। ये बच्चों के ऊपर जो इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा कहीं मुझे फायदा नहीं मिला। ये मेरे पास बैठता था, मैं जब भी कुछ सर टेस्ट देते थे तो मैं अगर डू की जगह डस लिखता था तो ये बोलता था अब्बू ये डू नहीं आता, इसमें डस आता है, अब्बू इसमें हैश नहीं आता, है आता है। मैं तो समझता था ये ऐसे बोलता। फिर सर एक दिन इसको स्टेज पे बुलाया, इसके माथे पर चुमा और ये बोले कि तुम पैशनेट लर्नर हो। तब मुझे समझ में आया कि इसके अंदर कुछ है। तो इसके अंदर ये दोनों बच्चों के अंदर जो कुछ भी है, जो बाहर आके निकला है, ये मैं यहीं यहाँ के स्टेज पे आके देखा हूँ। इंग्लिश हाउस अकेडमी के स्टेज पे आके देखा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हम पूरी फैमिली को, आज तक मेरी लाइफ में इतनी इज्जत कहीं मुझे नहीं मिली थी। आज जो मुझे आपने इज्जत दिया मैं उसका बड़ा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। हमने आपको ऑनर नहीं किया है, आपने इसे लिया है। We have not honored, you have earned this honor, क्योंकि जिस तरह से डिसिप्लिन से आपने बच्चों को ले आकर के यहाँ परफॉर्म करवाया, मुझे पूरा यकीन है ये गुड़िया एक दिन इंटरनेशनल ट्रेनर बनेगी और पूरे दुनिया को पढ़ाएगी इंशाल्लाह। आज रो रही है और कल बहुत हंसेगी इंशाल्लाह। Thank you.